इसे हाथ तो लगाकर दिखा, फिर चाहे तू हो या तेरा वो धनुष, तुम्हें तुम्हारे घर के अंदर घुस के मारूंगा। मैं तो ना लड़ने की कसम खाने वाला था, लेकिन आज इसी देवी के आगे प्रतिज्ञा लेता हूँ, अब एक नया युद्ध आरंभ। मेड इन अमेरिका चूर चूर हो गया, किसी से मुकाबला करने के लिए ब्रांड मायने नहीं रखता, दम होना चाहिए जो मुझ में ठूस ठूस के भरा है, देखेगा। उल्लू है तू, समझता नहीं है, चाकू तरबूज पर गिरे या तरबूज चाकू पर, दोनों में कटना तो तरबूज को ही पड़ता है। अरे तो आना, वो फिल्म में हीरो क्या बोलता है, आई वेटिंग। इसीलिए तू तीसरी फेल है। कहाँ रह रहे तू? मैं रेड्डी के घर को ढूंढ रहा था, यहाँ बुलबुल रेड्डी रहते हैं क्या? कोई बुलबुल रेड्डी नहीं है, वो बुल रेड्डी रहता है इधर, मेरा बॉस है वो। एक्चुअली मैं शहर से आया था शादी के लिए लड़की देखने। ये गजा तुझे पोकट की दारू पिलाता है, इसलिए तू इससे प्यार करता है, तो सोच जिंदगी देने वाले बाप से मैं कितना प्यार करता हूँ। जिंदा दफना दूंगा तुझे, भूल जा, मैटर यही क्लोज कर दे। वैसे इतनी उदास क्यों लग रही हो? कल जो भी कोर्ट में हुआ उस बात से पैर काट दिया। क्या? पैर काट के अलग कर दिया। वीरेंद्र के पैर तुमने काटे? उसके लिए कानून है, सिस्टम है, कोर्ट है। क्या खड़ा कानून है? उस लड़की को बचा पाया? हर बात में छल्ला का नाम क्यों लेता है? तुझसे नहीं होगा क्या? और तुझसे नहीं होता है तो उसे हर जगह अपने साथ लेकर घूम। क्लियर द ट्रैफिक। जब किसी से प्यार करते हैं तो दिन रात उसकी बातें करते हैं, पर मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं माया कि बयां करने के लिए शब्द कम पड़ जाए। आई एम इन लव विद यू। नाम कमाने गया था। उस पुलिस वाले को क्यों मारा रे? किसी को मारा तो पुलिस ढूंढेगा, पुलिस वाले को ही मारा तो तुम्हारे जैसे। सर आप हैं कौन? क्या मैं आपको जानता हूँ? तू मुझे नहीं पहचानता? आप ये क्या कह रहे हैं सर, शायद आपसे कोई गलत फहमी हो गई। क्या तू सच में मुझको सर, नहीं जानता? मैं आपको नहीं जानता। किस्मत इतनी खराब है कि आपसे सिग्नेचर लेने के बाद ही मैं बॉर्डर पर जा सकता हूँ, मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है सर। सर मुझे बॉर्डर पर जाने से जो हाथ रोकेगा ना, उस हाथ को तोड़ दूंगा, फिर चाहे वो हाथ मेरे बाप का क्यों ना हो। हिंदुस्तान का खाता हूँ लेकिन जीत पाकिस्तान की चाहता हूँ। सुन, मैं इस देश का हनुमान हूँ और ये देश मेरा राम है। सीना चीर के दिखा दूंगा, अंदर बैठा हिंदुस्तान है। ए, क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा तू? तेरी माँ की कसम, आज तू यहाँ से चल के तो क्या रेंगते भी नहीं जाएगा। मेरी माँ की कसम खाता है तू? जब कसम खाइए साले, मेरी माँ की कसम खाता है तू तो पूरी करूँगा तेरी। सूर्य भाई, अपुन का इस दुनिया में कोई नहीं है, अपुन आपके साथ ही रहेगा भाई। क्या नाम है तेरा? जादव। आप क्या करते हो भाई? बम के लिए। धनुष से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी, तुझे और तेरे परिवार को खत्म कर देगा वो। बॉर्डर पर दुश्मन का नाम सुनकर उतना खून नहीं खौलता जितने तेरे धनुष के नाम से खौलता है। तुम उसके भाड़े के टट्टू हो। क्या कहा था तूने? इस इलाके की गर्मी नहीं झेल पाऊंगा। तुझे दिखाता हूं गर्मी कैसे झेल। धोखे बाजू के धोखे को देख लिया, अब भरोसेमंद के भरोसे को देख। वो आएगा, छोड़ेगा नहीं तुम्हें, एक एक को मारेगा। कहते हैं प्यार करने वाले कुछ ज्यादा ही जलते हैं। ट्रिगर पे उंगली रखने वाला हर कोई शूटर नहीं होता, लड़की पे हाथ डालने वाला हर कोई मर्द नहीं होता, और अपन की औकात अपन को चाहने वालों के अलावा। ओ हीरो, क्लास में चुप रहोगे प्लीज? ओके, इसे मेरा नाम कैसे पता? शायद मेरा फैन होगा। हेलो, सुनाई नहीं दे रहा? मैंने चुप रहने को कहा है और मैंने भी ओके बोल दिया है। सर कब से चुप रहने के लिए कह रहे, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? प्रोफेसर तो हमेशा कुछ ना कुछ कहते हैं। तू जानता नहीं मैं एमएलए का बेटा हूँ? अबे एमएलए क्या चीज है, गंदे काम करेगा तो एमपीटीसी के बेटे को भी मारूंगा। एमपीटीसी से एमएलए बड़ा होता है यार। बोल दिया तो बोल दिया, अब क्या गलती हो गई इसलिए इसके जूते पकड़ कर इससे माफी मांगू मैं? हे शट अप, मुंह बंद करो। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मिलिट्री में काम करना कोई गुनाह है। सूर्या समझने की कोशिश करो।
मिलिट्री में हूँ तो कन्विंस करूँ, सबको कन्विंस करता फिरूँ। गुस्सा मत करो सूर्य, प्लीज। गुस्सा कौन कर रहा है? मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा है, मैं ठंडे दिमाग से पूछ रहा हूँ। लुक एट मी। जो तुमसे प्यार करता है तुम उससे क्या एक्सपेक्ट करोगे? रोना। क्या कहा? रोना, हम दूसरों के लिए हंसने की, गुस्सा होने की एक्टिंग कर सकते हैं। रोने की फैमिली की लाशों को कंधा देने के लिए अपने कंधे मजबूत कर ले। मेरी फैमिली तक तू क्या पहुंचेगा? इस वक्त जिस लड़की पर तूने बंदूक तानी है वो मेरी जान है। तेरी गन में 10 गोलियां हैं, एक भी गोली निकली ना। मैंने कहा था क्या तुमसे? बच्चा नहीं चाहिए था तो मेडिकल से प्रोटेक्शन खरीद लेते, वो क्यों नहीं खरीदा? इतनी सारी किताबें पढ़ी है, बस के पीछे निरोध की ऐड आती है वो नहीं पढ़ी? बड़ा आया साइकोलॉजिस्ट। नहीं सर, कोई सपना पूरा करने के लिए मैं अपने आप को बदलना नहीं चाहता। मैं नहीं जानता कि मैं गलत हूँ या सही हूँ, पर मैं ऐसा ही हूँ, यही मेरा असली रूप है। मुझे अपने सपने पूरे करने के बजाय अपने कैरेक्टर को। मैं तेरे घर आया हूँ, तूने कहा था ना कि अपने घर में कुत्ता भी शेर होता है। आज मैं तुझे बताता हूँ कि शेर जहाँ भी जाता है ना उसका घर वही होता है।